Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. फ्रेम से पहचान के हो गया आज हम करने वाले हैं what is in my Indian wedding bag edition. अब आप बोलोगे Indian bag क्या होता है और आपने अलग category बनाई हुई है and my answer will be yes. So western bags तो अलग होते हैं आज हम jeans, top dresses के साथ carry करते हैं और ये particularly मेरा Indian bag है जब भी मैं कोई Indian occasion में जाती हूँ, Indian wedding में जाना है, कभी भी ethnic पहनती हूँ. और ये जो bag का सामान है ना, trust me, थोड़ा सा अलग होता है मेरे casual wear bag से. इसके अंदर सारा वो सामान है जो आपको चाहिए ही होता है. जब भी आप शादी अटेंड करते हो, मैं आपको बहुत सारे शादी हैक्स बताने वाली हूँ जो आई थिंक आप सबको अपने बैग्स में कैरी करने चाहिए. और एकदम सही टाइम पे वीडियो में बना रही हूँ बिकॉज अभी वेडिंग सीजन ही चल रहा है, बहुत सारी शादियां हैं. सो अगर आप ब्राइड टू बी हो, ब्राइड्स मेड हो, ब्राइड के दूर के रिश्तेदार हो, ग्रूम के दूर के रिश्तेदार हो, या कोई भी हो यार, अगर शादी में जाना है तो ये एसेंशियल डेफिनेटली आपके काम आने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले वापस आओ सब्सक्राइब बटन पे हिट करो, बेल आइकन पे हिट करो सो दैट यू आर पार्ट ऑफ माय फैमिली. एंड नाउ लेट्स, सो बिफोर वी डाइव इनटू द बैग, सबसे पहले बात करते हैं इस पर्टिकुलर बैग की. मेरे मेजर जितने भी आउटफिट है ना, वो सारे गोल्डन टोन के ही हैं. आई थिंक एक या दो आउटफिट होगा जो सिल्वर टोन के होंगे, इसलिए मैंने गोल्डन टोन का बैग लिया हुआ है. आप भी हमेशा चेक किया करो कि आपके आउटफिट जो है वो कौन से टोन के हैं और उसके हिसाब से आप एक बैग ले लो, बिकॉज शादी हमें इतनी अटेंड नहीं करनी होती, तो एक या दो स्लिंग बैग के भी कलर होंगे ना तो आपका काम चल जाएगा. ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, आई थिंक एक साल हो चुका है इसको, मैं इसको एक साल से कैरी कर रही हूँ. चेन की क्वालिटी भी अभी तक एकदम मेंटेन्ड है, बैग भी एकदम मेंटेन्ड है. इसी में आपको एक व्हाइट कलर भी मिलता है, तो अगर आप व्हाइट टोन के आउटफिट ज्यादा पहनते हो इंडियन में तो आप व्हाइट वाला इसका ले सकते हो. और अभी मैंने इसका प्राइस चेक किया जस्ट नाउ, ये 595 rupees का मिल रहा है सेल पे, और ये कोई रैंडम सी ब्रांड है अमेजोन पे, फेस्टिव फैशन करके. सो ये जो बैग इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, इट हैज दिस लॉक सिस्टम एंड इट इज वेरी स्पेशियस. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट दैट गर्ल जैसे वो टीनी, इतने इतने से बैग नहीं होते, मतलब मेरा जो फोन है वो इतना बड़ा है और आजकल जो बैग्स आते हैं वो इतने इतने आते हैं एथनिक वाले. आई कांट, डोंट लाइक द फैक्ट कि लोग बैग इतना से कैरी करते हैं और फिर अलग से हाथ में फोन भी पकड़ते हैं. आपका बैग आपके कन्वीनियंस के लिए होता है, तो मेरे लिए एकदम ये परफेक्ट है. मेरा फोन, सारा सामान इसमें आ जाता है और आप देखोगे. प्लस इसकी जो स्ट्रैप है मुझे काफी सही लगती है बिकॉज इट हैज दिस चेन सॉर्ट ऑफ थिंग. मैं लॉक कर देती हूँ, सो जब मैं इसको ऐसे करती हूँ ना, सो ये बिल्कुल ऐसे स्लिंग बन जाता है. तो काफी बार मैं इसको लॉक कर लेती हूँ, फिर मैं मस्त डांस करती हूँ बारात बारात में जो डांस करना होता है, और मैं इसको शोल्डर बैग भी बना लेती हूँ ऐसे करके. तो मुझे बैग काफी सही लगता है. तो ओनली कॉन ऑफ दिस बैग एज यूजुअल कशिका चौहान है, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही बताएगी. इसका ना बेस मुझे इतना स्टर्डी लगा, तो मैंने क्या किया, जब ये बैग मैंने यूज करना शुरू किया था ना, मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस काटा, कोई रजिस्टर या कोई भी आप कार्डबोर्ड का पीस ले सकते हो, उसको मैंने नीचे यहाँ पे फिट कर दिया अंदर की साइड. मैंने अंदर से इसके अंदर कार्डबोर्ड का पीस एक प्लेस किया हुआ ताकि ये चीज अच्छे से स्टर्डी हो जाए और बार बार अपनी शेप लूजन अपना करे, तो उसके बाद ये एकदम परफेक्ट हो गया था. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड कि इसके अंदर क्या है. आप बाय द वे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे नीचे, माय हॉल स्टोर का एक लिंक भी मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आप ये सारी चीजें इजिली शॉप कर सकते हो. और जो अपडेटेड प्राइस चल रहा होगा अमेजोन पे वो भी आपको दिख जाएगा. पार्टीशन है, एक जिप वाला पार्टीशन है, देन इट हैज वन पार्टीशन राइट ओवर हियर. तो पहले इसके अंदर देखते हैं मैंने क्या क्या सामान डाला हुआ है. सो आई हैव टू थिंग्स, ये लिटरली प्रैक्टिकल व्हाट इज इन माय बैग है बिकॉज यही सारी चीजें इसमें हमेशा रखी रहती है. मैं एक या दो चीजें निकालती हूँ रेगुलर यूज के लिए, अदरवाइज ये बैग हमेशा ऐसे रेडी रखा रहता है. और ये मैं आपको कशिका ज्ञान देना चाहती हूँ, अपने बैग्स के अंदर ना ऐसी स्पेयर चीजें एक्स्ट्रा रखा करो, सो दैट लास्ट वन पे आपको सोचना ना पड़ेगा मुझे ये भी डालना था वो भी डालना था. सो नंबर वन चीज जो निकली है वो है ये ओरिगामी के सो सॉफ्ट वेट वाइप्स. ये सिंगल वाले वेट वाइप्स हैं, आप इसका पूरा एक पैक भी ले सकते हो, ये ब्रांड है ओरिगामी करके. सो आप इसका पूरा एक बंडल ले लो और एक एक वेट वाइप अपने बैग में डाल सकते हो, बिकॉज कभी भी आपको रिटच करना हो, कुछ रिमूव करना हो, कुछ दाग लग जाता है तो ये काम आता है. अदरवाइज मैं आपको एक और हैक दिखाने वाली हूँ, अगर आप ये नहीं कैरी करना चाहते तो इसका एक और हैक है मेरे पास. विच आर, वेयर आर दीज, मेरे पास एक और है. सो दिस इज द बेस्ट थिंग, अगर आप प्रॉपर ऐसे वाइप्स नहीं कैरी करना चाहते, आपको लगता है ये सूख जाते हैं, लाइक मेरे वाला मुझे लग रहा है शायद ड्राई आउट हो चुका है बिकॉज काफी टाइम से रखा हुआ है, तो मुझे उससे बेटर लगते हैं ये. सो ये है कैप्सूल टिश्यूज, इनको कंप्रेस टिश्यूज भी बोला जाता है, ये टॉफी जैसे लगते हैं. मेक श्योर आप किसी बच्चे को अपना बैग मत देना, वो उसको सही में टॉफी समझ के खा जाएगा. सो कुछ इस तरह से दिखता है. मैंने अमेजोन से इसका एक बड़ा पैक लिया हुआ है, उसके अंदर 100 या 150 ऐसी टैबलेट्स आती हैं. सो क्या करना है, आपको इसको निकालना है, टैबलेट को आप हाथ पे रखो, कहीं पर भी रखो, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालोगे, ये बिल्कुल ऐसे स्वेल हो जाता है, पूरा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है और खुल के एक वेट वाइप बन जाता है. मैं यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर दूंगी अगर आप देखना चाहते हो. द बेस्ट थिंग इज, कभी भी आप इसको यूज कर सकते हो, ये ड्राई आउट नहीं होगा, आप इसके ऊपर माइसलर वाटर डाल के मेकअप भी रिमूव कर सकते हो. तो अगर आप कहीं थक गए हो, किसी वेडिंग से आ रहे हो, आपको लगता है आपको उसी टाइम मेकअप रिमूव करना है, तो आप छोटा सा माइसलर वाटर कैरी करके भी रिमूव कर सकते हो, या फिर वेट वाइप से थोड़ा बहुत जो आपका मेकअप खराब हुआ है उसको भी रिमूव करके यूज कर सकते हो. मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, सो आई थिंक अगर आप ऐसे वाइप से कैरी करना चाहते हो, दीज आर रियली गुड, यू कैन डेफिनेटली बाय अ होल पैक फ्रॉम अमेज़न. नेक्स्ट
next item is my essential and you guys know जो मेरी videos regularly देखते हैं उन्होंने बहुत बार मेरी videos में देखा होगा. मैंने recently अभी एक video बनाई थी oily skin girls essential की, मैंने उसमें भी यही feature किया था. ये Miss Clear के oil control tissues, इनको bloating paper ही बोला जाता है, oil control tissue भी बोला जाता है. So ये basically कुछ इस तरह के आते हैं. These are not your regular tissues and अगर आपकी oily skin है ना, please इसको अपने wedding bag में रखा ही करो. Considering the fact हम कितना dance करते हैं, बारात में dance करते हैं, आजकल काफी सारी weddings day time में होती है, धूप में हमें डांस करना होता है और हम इतना मतलब हैवी मेकअप करके रखते हैं, अगर आप उसके ऊपर रेगुलर टिश्यू लगा दोगे ना आपका सारा मेकअप रिमूव हो जाएगा. तो वो गलती मत करना, आप ऐसे ऑयल कंट्रोल या प्रोटीन टिश्यूज लो. ये कुछ इस तरह के होते हैं, एक सिंगल सिंगल टिश्यू खाली इतना सा होता है और आप इसको ऐसे डैब कर सकते हो. लाइक अभी तो मैंने जस्ट मेकअप किया तो इतना ऑयल नहीं होगा या स्टिल अभी भी ऑयल है, डैन मेरी स्किन बहुत ऑयली है यार. सो ऐसे जब आप इसको डैब करोगे ना आपको इसको रगड़ना नहीं है. मेन यही मैं आपको एडवाइस दूंगी, अगर आप अपने मेकअप को इंटैक्ट रखना चाहते हो हमेशा इसको ऐसे डैब करो सो दैट जितना भी एक्सेस ऑयल है वो हट जाए. एंड देन उसके बाद आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो. मैं दिखाने वाली हूँ मैं कौन सा कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ. सो दीज आर वेरी गुड, इसके अंदर आपको 50 टिश्यूज मिलते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगा, बिल्कुल पतला सा आप किसी भी अपने स्लिंग बैग में डाल सकते हो. सो दिस इज़ रियली नाइस. ओके नेक्स्ट अप आई हैव द मोस्ट वियर्ड थिंग इन माई बैग. ये खाली एक है, दूसरी कहाँ है, वेयर इज इट? आई टोल्ड यू ना काफी प्रैक्टिकल वॉट इज इन माई बैग है. सो दीज आर बेसिकली योर फुट कुशन. काफी बार क्या होता है ना, मैं जल्दी जल्दी में हील्स ले लेती हूँ या फिर हील्स पहन के चली जाती हूँ शादियों में, फिर जब डांस करते हैं उसको बहुत देर के लिए जब आप पहनते हो ना उसके बाद जाके आपको शू बाइट होनी शुरू होती है. आपका जो पीछे का एरिया ना जहाँ पे हील के पास का एरिया, एडी के पास का एरिया, वो छिलने लग जाता है, पीछे सारा पील हो जाता है बिकॉज आपका फुट पे वहाँ पे रगड़ रहा होता है. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है. ये मैंने अमेजोन से लिया था, पैक ऑफ 5 समथिंग लिए थे. इसके अंदर एक स्किन कलर आता है और ब्लैक कलर आता है, तो मैंने ये ब्लैक वाले अभी रखे हुए हैं. सो ये कैसे होता है, ऐसे बटरफ्लाई शेप के होता है, पीछे इसमें स्टिकर होता है, आपको इस स्टिकर को पील करना है, इजीली स्टिकर पील हो जाता है. पील करने के बाद आप इसको अपने फुट पे, जो फुटवेयर है ना आपका, जो भी हील है जो भी है, आपको इसको ऐसे लगाना है. ये जो कर्व है ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा. सो ये साइड से भी आपको कुशनिंग देता है और पीछे आपका जो पैर है वो रगड़ता नहीं है फुट पे. अगर आपको लेदर की आपने सैंडल पहनी है, कोई ऐसे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं ना जो लिटरली कट दे देते हैं आपकी, आप जूतियाँ पहनते हो, बहुत सारी पंजाबी जूतीज होती हैं जो कट दे देती हैं, तो ये बहुत काम आता है. अब मैंने इस बैग में डाल दिया बिकॉज मुझे पता है मैं जल्दी जल्दी में निकल जाऊंगी कहीं शादी में फंक्शन में, फिर मुझे वहां जाके आ जाता है कि यार दर्द हो रहा है. सो दीज आर वेरी हैंडी. नेक्स्ट आई हैव अ बैंडेड एज वेल. ये भी काफी काम आती है बिकॉज हमारे इंडियन कपड़े इतने काफी बार चुभ जाते हैं, शू बाइट हो जाती है, कुछ हील्स में दर्द हो जाता है. अगर आप ऐसे फुट पैड्स नहीं कैरी कर सकते तो आप एटलीस्ट ये तो कैरी कर ही लो कि पीछे से आपका जो पैर है वो कट ना पड़े. या वैसे भी यार वेडिंग्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट वोट किसी ना किसी को लग जाती है, तो बैंडेड हर बैग में होना चाहिए, नॉट जस्ट योर इंडियन बैग, आपके रेगुलर बैग में भी बैंडेड्स होने चाहिए. ओके नेक्स्ट आई हैव दिस पैकेट, आई हैव टू पैकेट्स इन फैक्ट, एक और है बाद में दिखाऊंगी वो. सबसे पहले इस पैकेट की बात करते हैं. ये लिटरली मैं ट्रांसफर करती रहती हूँ, मैं जब भी कोई इंडियन बैग कैरी करती हूँ, लाइक ये तो किया, लेकिन अगर कोई और कैरी किया तो मैं इस पैकेट को उसमें ट्रांसफर कर देती हूँ. दिस इज वेरी एसेंशियल, ये इंडियन वेडिंग एसेंशियल है जो हर एक लेडी गर्ल को कैरी करना ही चाहिए. इसके अंदर मैंने दो चीज़ें डाली हैं. सबसे पहले है ये बॉब पिंस, आई थिंक इसको बॉब पिंस ही बोलते हैं ना, जो ऐसी वाली पिंस आती है, तो मैंने पूरा सेट इसके अंदर डाल के रखा हुआ है. अगर आप हेयर स्टाइलिंग करते हो, आपने कर्ल्स कराए, आपने कोई जूड़ा बनवाया है, बट काफ़ी बार होता है कि आप बारात में नाचते हो या फिर डांस करते हो तो चीज़ें खुल जाती हैं, निकल जाती हैं, तो ये बॉब पिंस काफ़ी ज़्यादा काम आती है. सो ऑलवेज कैरी दीज. और काफ़ी बार बाल आपको चेंज करना होता है या फिर पीछे करने होते हैं तो उसमें भी एकदम बढ़िया रहती है. नेक्स्ट है मेरे पास सेफ्टी पिंस, लिटरली एक दूसरे से, जो वॉशरूम में अगर आप कोई भी इंडियन फंक्शन में जाओगे ना कोई एक दूसरे से सेफ्टी पिन मांग ही रहा होता है. किसी की खुल जाती है, किसी की हो जाती है, फिर किसी का ब्लाउज ढीला हो जाता है, कुछ फैशन मिसहैप हो जाता है, तो ये सेफ्टी पिन्स काफी काम आती है. ऑलवेज कैरी सेफ्टी पिन्स इन योर बैग. नेक्स्ट अप आई हैव अ कॉम, जो एकदम चटकता हुआ ब्लू कलर का कॉम है. आई डोंट नो व्हाई ये कलर मेरे को क्यों डिलीवर हुआ था, मैंने अमेज़न से मंगाया था, उसमें रैंडम कलर रिसीव होते हैं, बट नेवर माइंड, ये वर्क बड़ा सही करता है. मैंने ट्रस्ट भी ऐसे रैंडमली ले लिया था, बट ये काफी प्रैक्टिकल कॉम है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेस नहीं लेता इतना सा, कोई भी स्लिंग बैग में आपको छोटा सा क्लच भी कैरी करोगे ना इजिली आ जाएगा. सेकंड, इसमें आपको दो सेक्शन मिलते हैं, एक है ये नॉर्मल कॉम का सेक्शन, लाइक अभी मेरे बाल हल्के से स्ट्रेट है तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ, लेकिन काफी बार हम बहुत हैवी कर्ल्स करते हैं शादी पर, हमने अच्छे खासे कर्ल किए होते हैं, तो अगर आप उन कर्ल्स के ऊपर ऐसा कॉम यूज कर लोगे ना तो कर्ल्स एकदम फ्लैटन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सा फ्रिजीनेस को टेम डाउन करना होता है, थोड़ा सा बालों को अरेंज करना होता है. सो ये साइड बहुत काम आती है, एकदम कॉम वाली साइड है, लेकिन इसमें खाली दो ऐसी लेयर है और इसमें गैप्स काफी सही है, तो काफी बार जब मैं कर्ल्स भी करती हूँ ना तो मैं हल्का हल्का ऐसे करके इसको टचअप कर लेती हूँ, तो एटलीस्ट मेरे जितने भी कर्ल्स हैं वो थोड़े से टेम डाउन हो जाते हैं. ये दोनों साइड मुझे एकदम परफेक्ट लगती है. अगर आप ब्रश ज़्यादा यूज करते हो ना तो ये साइड आपके लिए एकदम परफेक्ट है, और ऐसे बंद भी हो जाता है तो इतना अनहाइजीनिक नहीं रहता है, इधर उधर गंदा नहीं होता. लव दिस वन, ये तो डेफिनेटली आप अमेज़न से ले सकते हो, बड़ा सही है ये.
Okay, next I have a compact. जैसे कि मैंने आपको बताया था, always remove your excess oil with these floating tissue and then use a compact. ये मेरा all time favorite compact है. Expire तो नहीं हुआ ना, अरे बहुत time से use कर रही हूँ. नहीं, ये इस साल के end में expire होने वाला है. मेरे पास बहुत time से रखा हुआ है. आपने multiple मेरे features में भी देखा होगा. ये है sugar का play banana, powder play banana compact. I love the fact इसका जो sponge है वो अलग आता है. सो यहाँ पे हमारा compact है और ये रहा हमारा स्पंज. और मुझे इसका स्पंज भी काफ़ी अच्छा लगता है. इट्स नॉट दैट फ्लिम्जी वाला, वो सस्ते वाला पतला सा स्पंज होता है ना, इसके स्पंज से एक्चुअली बहुत अच्छे से जितना भी एक्सेस ऑयल है ना वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है. ये कॉम्पैक्ट केकी नहीं फील होता मेरे स्किन के ऊपर, हैवी नहीं फील होता. आई लव दिस वन. इसका जो शेड है, इसे कोई शेड नहीं है, ये प्ले बनाना कॉम्पैक्ट ही है. सो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो बिकॉज ये बनाना सॉर्ट ऑफ कलर है तो सारे इंडियन स्किन टोन को सूट ही कर जाता है. प्लस वी हैव अ फुल साइज मिरर, तो अगर मुझे रीटच भी करना होता है तो ये भी काफ़ी काम आता है. नेक्स्ट अप इज अ वेरी फनी थिंग जो बहुत रेयर लोग कैरी करते होंगे, बट मेरे लिए तो ये एसेंशियल है यार. बहुत अनहाइजेनिक माना जाता है जब कोई आपसे बहुत क्लोज आके बात कर रहा होता है, फिर आपके मुँह से स्मेल आती है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू कैरी. ये है कोलगेट का वेट शक्ति माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे. दिस आउट इट लुक्स लाइक काफ़ी कॉम्पैक्ट है, अगेन ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा. ये ऐसे स्प्रे फॉर्म में आता है एकदम जैसे वो कोलगेट आप यूज़ करते हो ना वेट शक्ति वाला, बिल्कुल इसका वही सेम टेस्ट है. सो ये माउथ स्प्रे आप समझ गए होंगे. इंडियन वेडिंग का खाना आपको पता है, रॉ अनियन हम बहुत खाते हैं, लहसुन बहुत ज़्यादा होता है, मसालेदार खाना होता है. काफ़ी लोग ड्रिंक भी करते हैं. अगर आप ग्रूम हो या फिर आप ब्राइड हो, आप बहुत लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बहुत पास से भी आप उनसे बात करोगे, तो आपको डेफिनेटली रखना ही चाहिए ताकि आप इसको बार बार स्प्रे कर सको, एक अच्छी ब्रेथ आए आपके मुँह से. आई नो थोड़ा अननेसेसरी एसेंशियल है, लेकिन अगर आप थोड़े से स्पेसिफिक हो कि आपको माउथ ऑडर अच्छी नहीं लगती, यू कैन डेफिनेटली कैरी दिस. अफोर्डेबल तो काफी लंबा चल जाता है. ओके, कमिंग टू मेकअप, मैंने 3 रैंडम चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं. सबसे पहले जो मैं लिपस्टिक रखती हूँ ना, मैं आपको कशिका ज्ञान देने वाली हूँ. हमेशा एक ऐसी लिपस्टिक का शेड रखा करो जो वर्सेटाइल होता है, जो आपके मैक्सिमम आउटफिट पे जाता है. सेकंड, वो शेड थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए आपके ब्लश के शेड की तरह. काफ़ी बार क्या होता है आपके मेकअप में सबसे पहले हट जाता है ना वो आपका ब्लश होता है. आपका ब्लश बहुत टाइम बाद ना उड़ने लग जाता है, मतलब वो इतना फेस पे विजिबल नहीं होता. सो मैं ऐसी लिपस्टिक कैरी करती हूँ जिसको मैं एज अ लिपस्टिक भी एज अ ब्लश दोनों तरीके से कैरी कर सकती हूँ. ये है मेबलिन की लिपस्टिक इन द शेड मोर ब्लश. इसका शेड ने भी मोर ब्लश है, परफेक्ट कलर है. मेरे सारे आउटफिट्स पे पिंक कलर जाता है तो मैं इसको एज ए लिपस्टिक भी यूज़ कर लेती हूँ. इसका जो ऊपर का ये एरिया है ना, लाइक ये जो बुलेट है, ये काफ़ी पतली है तो इससे मेरे लिप्स बहुत अच्छे से फिल हो जाते हैं. काफ़ी बार हम अगर इधर उधर फटाफट में रीटच भी करते हैं, कार में हम टचअप कर रहे होते हैं, तो आप मोटी बुलेट वाली लिपस्टिक ले लोगे ना तो हर जगह स्प्रेड हो जाएगी. तो मुझे इसकी बुलेट काफ़ी सही लगती है, मेरे से थिन लिप्स को ईजिली कवर कर देती है. काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ये लिपस्टिक है और हल्की सी ट्रांसफर होती है. ये एक्जैक्टली ट्रांसफर प्रूफ नहीं है बिकॉज ये प्रॉपर मैट फाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये पाउडर मैट फाउंडेशन है ना तो काफी कंफर्टेबल फील होती है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है. सेकंड थिंग दैट आई कैरी इन माय बैग इज दिस लैक्मे लिप लव. मैंने अभी फेब में जब अपने कजन की शादी अटेंड करी थी, मैंने रात को फेरो पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैं लिप बाम लगाई थी. आई वाज लाइक आई लव दिस लिप बाम, दिस इज सो गुड टू टच अप योर लिप्स. काफी बार होता है ना हम बार बार लिपस्टिक लगा लगा के ना अपने लिप्स को अच्छी सा क्रैक कर देते हैं, लिप्स क्रैक होने शुरू हो जाते हैं, लाइन्स बननी शुरू हो जाती हैं, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है. मैं टचअप जब करती हूँ ना, आई थिंक मैं इसी से दोबारा करती हूँ. यह लैक्मे का लिप लव इन द शेड रास्पबेरी. ये लिप बाम नहीं है, लिटरली लिपस्टिक लिप बाम है बिकॉज इसका अपना इतना अच्छा कलर पे ऑफ आता है ना. लेट मी जस्ट शो यू, सी कैन यू सी इसका कितना सही कलर पे ऑफ आया है. ये कहीं से भी आपको ऐसा ही लगे लिप बाम है. सो ये प्रॉपर कलर भी देती है. सो इससे मेरे लिप्स क्रैक नहीं होते बिकॉज ये लिप बाम की नरिशमेंट देती है. मेरे लिप्स जहाँ भी क्रैक होते हैं उनको कहीं ना कहीं फिलअप कर देता है, एक अच्छी शाइन आती है लिप्स के ऊपर. प्लस ये कलर भी काफ़ी वर्सेटाइल है, आप उसको अपनी आईलेट पर भी यूज़ कर सकते हो. अगर आप थोड़ा सा एक ग्लॉसीनेस चाहते हो, चीक्स पर यूज़ कर सकते हो एज अ ब्लश. एक अच्छी ड्यूइनेस ग्लॉसीनेस भी आती है, तो ऐसे लास्ट मोमेंट मेकअप के लिए भी काफ़ी ये सही रहता है. सो दीज आर द टू थिंग्स. नेक्स्ट आई हैव दिस काजल. काफ़ी बार होता है काजल ही सबसे पहले ब्लीड होना शुरू हो जाता है, आंसू आते हैं, काफ़ी बार आप टच कर देते हो. मेरी सेंसिटिव आईज है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आईज में इरिटेशन होती है या फिर लेंस पहने होते हैं तो उसकी वजह से भी ना आपका काजल थोड़ा सा फेड हो जाता है. तो एक काजल आप हमेशा रखा करो. मैंने रखा हुआ है ये एन वाई बेकअप बिग एप्पल ऑफ माई आई काजल. वेरी वेरी अफोर्डेबल अमेजोन पे, आई थिंक इसका पैक ऑफ टू आपको 100 या 150 समथिंग का मिल जाता है. बहुत सस्ता मिलता है और ये काफ़ी सही है. ये एन वाई बेकअप है, बहुत अच्छे से स्टे करता है. मेरी सेंसिटिव आईज है, बिल्कुल मुझे इरिटेशन नहीं होती. लव दिस वन. अगर आप इंटेंस ब्लैक अफोर्डेबल काजल ढूंढ रहे हो ना, ट्राई दिस वन, ये काफ़ी सही है. और कितना सामान है यार, लोग सोच रहे हैं कितना सामान लेके जाती है. आई हैव अ टिश्यू जो बिल्कुल ऐसा हो चुका है. मैं टिश्यू पेपर अलग से नहीं रखती बिकॉज टिश्यू ना आपको इवेंट्स में आप कहीं जाते हैं आपको नॉर्मल टिश्यू पेपर मिल ही जाते हैं. सो मैं रखती हूँ वेट वाइप्स, मैं रखती हूँ ऑयल कंट्रोल टिश्यू जो हमेशा अपने घर से कैरी करके चलने चाहिए. ये तो आपको वहाँ पे भी मिल जाते हैं, तो मैं इतना ही कैरी नहीं करती.
ओके लास्ट वी हैव अ सैनिटाइजर, मास्क भी मैं रखती हूँ बट वो ऑब्वियसली वो पहन के ही जाते हैं तो वो दिखाने वाली चीज़ नहीं है, बट सैनिटाइजर भी मैं रखती हूँ। सबसे कॉम्पैक्ट यही सैनिटाइजर है मेरे पास, लाइफ बॉय का ही ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मुझे नया लेना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो नाइस, आप भी अगर कोई नाइस छोटा कॉम्पैक्ट सैनिटाइजर ले सकते हो तो वो भी आप रख सकते हो। एंड विद दिस वी आर काइंड ऑफ, ओ वी हैव अ विक्स की गोली, वी हैव विक्स की मेंथॉल। काफ़ी बार होता है हम शादी में छींकते हैं चिल्लाते हैं, तो ऐसी रैंडमली ऐसी गले की जो दवाइयाँ हैं ना मैं अपने सारे बैग्स में डाल के रखती हूँ, सो दैट अगर मुझे गले में इरिटेशन होती है सो मैं ऐसी क्यू कर सकती हूँ। एंड देन वी हैव अ जिप सेक्शन ओवर हियर जिसके अंदर मैंने पैसे डाले हुए हैं, नथिंग मच, हल्का सा कैश डाला हुआ है, सो ये जिप सेक्शन भी काफ़ी काम आता है। एंड विद दिस वी आर डन, आप देख सकते हो मैं नीचे बेस पे कार्डबोर्ड लगाया हुआ है जो मैं आपको बता रही थी, इससे इस बैग की शेप काफ़ी सही मेंटेन रहती है। एंड विद दिस वी आर डन विद व्हाट इज इन माय वेडिंग बैग एसेंशियल। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इसके अलावा आप क्या कैरी करते हो, क्या पता मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल जाए जो हमें अपने वेडिंग बैग में कैरी करना चाहिए। आप भी अपनी टिप्स नीचे बता सकते हो, सब एक या दो चीज़ ऐसी बताओ जो आप अपने वेडिंग या फिर इंडियन बैग्स में कैरी करना प्रेफर करते हो, और इन सबके लिंक्स ऑब्वियसली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। एक माय हाउस टोगल लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आपको सारे प्रोडक्ट्स इजीली विजिबल होंगे विद रेट्स, आप इजीली शॉप भी कर सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा मैंने बहुत सारे अमेज़न हॉल बनाए हुए हैं, शॉपिंग हॉल्स बनाए हुए हैं, कशिका ज्ञान वाली वीडियोज बनाई हुई है, वो सब मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगी, आप जाकर इजीली देख सकते हो। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर रिव्यूज, वहां पर एक गिवअवे भी चल रहा है जो 22nd को एंड होने वाला है, तो आप वहां पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे दूंगी एंड माई हैंडल इज kashika.chauhan, आप जाकर सर्च भी कर सकते हो। And you can follow me there for more tips, and I'll see you next time. Bye bye.